वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग बाय 360। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिया से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कश्मीरी चाय, पिंक टी की रेसिपी। ये सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है, सर्दियों का अनमोल तोहफा है ये। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक देचकी ले ली है, अब उसमें हम ऐड करेंगे वाटर 3 कप। ये नॉर्मल वाटर है, रूम टेम्परेचर पर, आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ 1 टेबलस्पून, लौंग 5 to 6, इलायची 5, सिनेमन स्टिक 2 और ब्लैक कार्डिमम 2। इन सब चीज़ों को पानी में डालेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी चाय, जिसे ग्रीन टी भी कहते हैं। ये हम तकरीबन 3 टेबलस्पून डालेंगे। बेकिंग सोडा लिया है मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून। यहाँ पे याद रखें कि बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है, क्योंकि इसका कलर इसे बहुत ज़बरदस्त निकलता है। और इसे हम तकरीबन 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखें जी, 20 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और ये तकरीबन 1 कप रह गया पानी, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी, चिल वाटर। आप चाहे तो आप आइस क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 2 कप लिए हैं और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको हिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर निकले। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद जब इसका पानी 1 कप रह जाए तो उसमें अगेन हम आइस क्यूब्स डाल देंगे या चिल वाटर डाल देंगे, ठंडा पानी। ये भी तकरीबन 1 कप के करीब है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करें शुगर 4 टेबलस्पून, आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें शुगर जो है वो थोड़ी सी तेज़ ही अच्छी लगती है, इसलिए हम इसकी मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रख रहे हैं। इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि इसका कलर जो है बहुत ज़बरदस्त सा निकले। आप देखें, मैंने यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया इसके लिए, इसका अपना ही बड़ा ज़बरदस्त कलर निकलेगा। और इसे 5 से 10 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे। ये बिल्कुल रेडी है, अब इसे हम छान लेंगे और इसे हम 5 से 10 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। आप इसके कावे को फ्रिज में रखते हैं और 5 से 10 दिन हम इसको इजीली रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से घर में ज़बरदस्त तैयार हो गया है। दूसरी साइड पर हम तैयार कर लेते हैं कश्मीरी चाय। यहाँ पर मैंने ले लिया है मिल्क, 1 बड़ा कप लिया है मैंने यहाँ पे दूध का, और उसे बॉईल होने तक कुक करेंगे। ये देखें जी, दूध बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ कावा। आपको जितना कलर पसंद है आप उसी हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप के करीब डाला है और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर निकला है।
इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया मैंने। कश्मीरी चाय हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको एक कप में निकाल लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से नट्स। मैंने यहाँ पर पिस्ताशो और आलमंड ले लिए हैं। आपको जो भी पसंद है आप वो डालें, या बगैर नट्स के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त इसका जायका और कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। गांव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।